हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। 50 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एंड डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों, बूंद बूंद करके तालाब भरता है, तो एक ही दिन आप पूरा सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस पे आपको आदत बनाना पड़ेगा, हैबिट में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए कहाँ पे मिस्टेक है और किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए और जो भी एग्जाम्स आए उसमें एक सीट आपका जरूर रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, रोमन काल में मार्स किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, रोमन काल में युद्ध के देवता को मार्स कहा जाता था। यहां पे जो आकाश देवता को जियस देवता, सूर्य देवता को अपोलो कहा जाता था, याद रखिएगा। एंड समुद्र देवता को पोसिडियन कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ओलंपिया की अवधि कितनी होती थी? तो दोस्तों, प्राचीन काल में जो ओलंपिक खेल होते थे वो 5 दिन की होती थी। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में एथेंस में शुरू हुआ था और 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक चला था और 394 ईस्वी में थियोडोसियस प्रथम ने उसको रोक लगा दिया था, जिसको पुनः शुरुआत किए बरेन थियोडी कोवर्डिंग के प्रयास से 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में शुरुआत किया गया। इसलिए बरेन थियोडी कोवर्डिंग को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी यानी कि आर्चरी। नेक्स्ट दोस्तों, एटीपी मिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण किसे कहा, निर्माण कहाँ पे होता है? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट है, चमड़ी के बीच की परत को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस, मध्य परत को डर्मिस, उसके नीचे एडिपोज टिश्यू होता है जिसके अंदर जो फैट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में जमा होता है। तो ऊपर वाली परत को एपिडर्मिस, फिर दूसरी परत को डर्मिस बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल किन पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है? तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वसा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एचडीएल एंड एलडीएल। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। यानी कि एचडीएल की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और एलडीएल की मात्रा कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटलिज्म के जनक कौन है? एक्सपेरिमेंटलिज्म के जनक यानी कि प्रयोगवाद या व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? तो वो है जॉन डीवी। एंड आदर्शवाद आइडियोलॉजी के जनक प्लेटो हैं, यथार्थवाद रियलिज्म के जनक अरस्तु हैं, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के जनक रूसो हैं, एंड प्रैग्मेटिज्म या एक्सपेरिमेंटलिज्म या प्रयोगवाद या व्यवहारवाद के जनक जॉन डीवी हैं। नेक्स्ट है, रिक्रिएशनल थ्योरी मनोरंजनात्मकता के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं
GTW पैट्रिक, यानी कि दो लोग हैं इसके, लॉर्ड केम्स तथा GTW पैट्रिक। खेल की सैद्धांतिक धारणा यानी खेल के सैद्धांतिक जो सिद्धांत है थ्योरीज ऑफ प्ले, इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे थ्योरीज बताए हुए हैं, जैसे कि सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी अतिरिक्त शक्ति धारणा को दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, भविष्यदर्शी धारणा, पूर्वानुमानित धारणा यानी एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रूस ने दिया था, एंड पुनः अवलोकन धारणा यानी कि रिकैपिटुलेटरी थ्योरी को दिया था GH चैनली हॉल ने, जिसमें पूर्व अनुभव को पुनः अनुभव करना होता है, एंड मनोविश्लेषण धारणा साइको एनालिटिक थ्योरी दिया था सिगमंड फ्रायड ने, एंड विरेचन यानी कि रेचन विरेचन या मनोभावों की धारणा जिसे कैथलेटिक थ्योरी कहा जाता है, जिसको प्रवर्तक है अरस्तु, इसको शुद्धिकरण की धारणा भी कहते हैं, एंड सोशल थ्योरी भी दिया है अरस्तु ने, एंड फ्लेज लाइफ थ्योरी यानी खेल ही जीवन है की धारणा दिया था जॉन डीवी ने, एंड सहज प्रवृत्ति धारणा इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी विलियम मैकडेवल ने दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, 2028 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? तो दोस्तों 2020 में टोक्यो जापान में हुआ, 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, पीटी उषा किस दौड़ में सेकेंड के 100वें हिस्सों के कारण कांस्य पदक से वंचित रह गई थी? तो दोस्तों वो 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक में 1984 में 400 मीटर बाधा दौड़ में, यानी कि 400 मीटर बाधा दौड़ में 1984 ओलंपिक में ए 100वें सेकेंड के 100वें हिस्से के कारण कांस्य पदक से वंचित रह गई थी, चौथा स्थान प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, एडिसन ओरांतेस डू नासिमेंटो किसका पूरा नाम है? तो दोस्तों यह पूरा नाम है फुटबॉल के महान प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का। नेक्स्ट है, प्रैग्मेटिज्म का दूसरा नाम है, दोस्तों अभी जस्ट बताए हूं, प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेरिमेंटिज्म, डिवेइज्म, प्रयोगवाद, व्यवहारवाद आदि नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटिज्म एंड डिवेइज्म, क्योंकि जॉन डीवी इसके प्रवर्तक हैं इसलिए डिवेइज्म भी बोला जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क ख दोनों। नेक्स्ट है, ग्लियोजी से ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजेनेसिस कहा जा सकता है, उसी प्रकार वसा तथा प्रोटीन से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहां पे प्रिंटिंग मिस है, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहा जा सकता है, उसी प्रकार वसा तथा प्रोटीन से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है ग्लूकोनेजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनेजेनेसिस। नेक्स्ट है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने खोजी थी? तो दोस्तों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानी कि मांसपेशी का सरकवा सूत्र सिद्धांत एच ई हक्सले ने 1954 में दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि मसल्स कैसे कंट्रैक्ट होती है, यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर फिसलती है जिसके कारण मसल्स कंट्रैक्ट होती है, इस बात को सबसे पहले इन्होंने ही बताया।
नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन द्वारा किस फिटनेस कंपोनेंट को विकसित किया जाता है। यह पीएनएफ मेथड होता है, प्रोप्रायो न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, जो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करता है, यानी लचीलापन को, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को विकसित करने की विधियां हैं बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पीएनएफ मेथड, जिसमें पीएनएफ सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और पीएनएफ नहीं दिया रहेगा तो जो स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड बेस्ट होता है। नेक्स्ट है मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग साइकिल होता है तीन होते हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। जो मैक्रो चक्र होता है उसको ट्रेनिंग योजना भी और सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल या वार्षिक योजना भी कहा जाता है। ये 3 से 12 महीने का होता है यानी 1 साल का, इसलिए वार्षिक योजना भी कहा जाता है। दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवसन चक्र भी कहते हैं, जो 3 से 6 सप्ताह का यानी 1 से 1.5 माह का होता है। तो मासिक चक्र यहाँ पे पूछा है। तो मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम किसे कहा जाता है, तो यह मीजो साइकिल जो 4 से 6 वीक का होता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसको साप्ताहिक योजना या सूक्ष्म अवधि चक्र या सबसे छोटा चक्र कहा जाता है, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का संबंध किस प्रकार के खेलों से है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जहां पे भी नाम आ जाए वहां जो एंड्योरेंस वाले खेल हैं, एरोबिक क्षमता वाले हैं, उसमें जब प्रोटीन की बात आए तो वो स्ट्रेंथ वाले खेलों में ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस वाले खेलों के जो प्रकार हैं उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का ज़्यादा उपयोग होगा, जो लंबी दूरी की या लॉन्ग डिस्टेंस या लंबे समय की जो क्रियाएं होंगी। नेक्स्ट है ईईजी से क्या मापा जाता है। ईईजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क की क्रियात्मक क्षमता को मापा जाता है। और एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय संबंधित असमानता का पता लगाता है। तो याद रखिएगा ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असमानता का पता लगाता है, एंड ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाता है। नेक्स्ट है पाचन के दौरान आंतों में चिकनाई कौन बनाकर रखता है। तो दोस्तों जो पाचन के दौरान आंतों में जो चिकनाई होता है वह दोस्तों बाइल, यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है यानी कि पित्त रस, जबकि यहाँ पे मेरे ख्याल से म्यूकस होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कीजिएगा, इसको सस्पेंस पे रखा गया है, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी कि पाचन के दौरान आंतों में चिकनाई कौन बनाकर रखता है, म्यूकस रखता है कि बाइल लगता है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है पेनाल्टी किक का संबंध किस खेल से है। किक शब्द आते ही आप चले जाएंगे फुटबॉल में। नेक्स्ट है 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो दोस्तों उस समय थे बलबीर सिंह। नेक्स्ट है ओलंपिक के समापन समारोह में समापन की घोषणा कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्घाटन की घोषणा जो है मेजबान देश का अध्यक्ष करता है बट या राष्ट्रपति करता है, बट जो समापन की घोषणा होता है वो आईओसी का अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, ओलंपिक समापन की घोषणा करता है, ऑप्शन नंबर ख होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है
आराम की अवस्था में सामान्य रूप से अंतः श्वसन में या बाह्य श्वसन में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह टाइडल वॉल्यूम कहलाती है, याद रखिएगा। क्या कहलाती है? सामान्य श्वसन में श्वास को अंदर लेना और बाहर लेना, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और वाइटल कैपेसिटी क्या कहती है? पूरी शक्ति के श्वास से को अंदर लेना और पूरी शक्ति से निकालना, ये वाइटल कैपेसिटी होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जो श्वास लेने के पश्चात छोड़ने के पश्चात जो हमारे फेफड़ों में रह जाती है बची हुई अवशिष्ट वायु कहा जाता है, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। और VO2 मैक्स किसे कहते हैं? VO2 मैक्स यानी अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट क्या मापता है? तो केनेथ कूपर ने 1970 में 12 मिनट रन वॉक टेस्ट को बनाया कार्डियो मस्कुलर स्ट्रेंथ। नहीं दोस्तों, स्ट्रेंथ नहीं होगा इसमें, 12 मिनट हमेशा एंड्योरेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन राइट रहेगा आप ही बताइए। यहाँ पे कार्डियो वैस्कुलर एंड्योरेंस आपका राइट होगा। तो यहाँ पे कार्डियो वैस्कुलर इफिशियंसी आपका मोस्ट होगा, क्योंकि मस्कुलर का नाम आएगा तो स्ट्रेंथ में काउंट हो जाएगा। याद रखिए इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी पॉइंट को इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, इसलिए एक छोटा सा पॉइंट, ये आपको क्वेश्चन आ रहा है बट आप जल्दबाजी में अगर घ लगा देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। नेक्स्ट है, वेलोड्रोम क्या है? तो दोस्तों वेलोड्रोम जो होता है साइकिलिंग का मैदान को वेलोड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खेलों के विकास का नियंत्रण किसके हाथों में होता है? तो आप सबको पता है राष्ट्र युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के बाहरी भाग क्या होता है? तो दोस्तों बाहरी भाग को फेसिया कहा जाता है। जैसे कि मांसपेशी तंतु समस्त मांसपेशी को घेरे रहता है एपिमाइसियम, और मांसपेशी समूह को घेरा रहता है पेरिमाइसियम, और एक मांसपेशी सिंगल मांसपेशी को घेरे रहता है एंडोमाइसियम। और पेशी तंतु के ऊपर जो झिल्ली रहती है उसको सार्कोलेमा कहा जाता है, याद रखिएगा। और मांसपेशी तंतु के भीतर जो द्रव भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को बांझ पर रोधी विटामिन यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है? आप सबको पता है विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ पर दूसरे स्थान वाले खिलाड़ी वाले पहले स्थान वाले खिलाड़ी के किस ओर खड़ा होता है? यानी कि जब विजय स्तंभ आपका पुरस्कार वितरण हो रहा है उस कंडीशन में जो दूसरे स्थान प्राप्त किया हुआ है वह खिलाड़ी पहले स्थान वाले खिलाड़ी के किस तरफ खड़ा होगा? सबसे पहले आप जानिए कि जो पहला स्थान वाला खिलाड़ी होता है वो बीच में खड़ा होता है, और दूसरा स्थान वाला विजयी खिलाड़ी के बीच वाले खिलाड़ी के दाएं तरफ, और तीसरा स्थान वाला बाएं तरफ। यहाँ पे दाएं तरफ आपका राइट आंसर होगा, 29 का दाएं तरफ, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं इससे पहले वीडियो में बताई हूँ कि समापन के समय 3 झंडे फहराए जाते हैं। सबसे पहले पुरस्कार वितरण के समय 3 स्थान को विजय मंच पर बुलाया जाता है, जिसमें से प्रथम स्थान वाले खिलाड़ी को बीच में खड़ा किया जाता है, दूसरे स्थान वाले को दाएं तरफ और तीसरे स्थान वाले को बाएं तरफ खड़े होते हैं। और इसे विजेता देश का ध्वज वहां के राष्ट्रगान के धुन के साथ फहराया जाता है पुरस्कार वितरण के समय। तो दोस्तों यहां तक तो पुरस्कार वितरण हो गया, उसके बाद समापन होता है। अब समापन जो ओलंपिक का समापन समारोह होता है उस कंडीशन में स्टेडियम में मार्च पास्ट और मैदान के बीच सब इकट्ठे होते हैं, और ओलंपिक समापन के समय 3 झंडे फहराए जाते हैं, याद रखिएगा, जिसमें से सबसे पहले यूनान के ध्वज को वहाँ की राष्ट्रगान की धुन के साथ,
फिर दूसरे स्थान पर, दूसरे नंबर पर मेजबान देश के ध्वज को वहाँ की राष्ट्रगान की धुन के साथ, फिर तीसरे नंबर पर अगले देश का ध्वज जहाँ अगले ओलंपिक होंगे वहाँ के राष्ट्रगान की धुन के साथ झंडा फहराया जाता है। याद रखिएगा ओलंपिक की समापन की घोषणा IOC का अध्यक्ष करता है, उसके बाद ध्वज को नीचे उतारा जाता है और जिसे IOC का अध्यक्ष नगर के गवर्नर या मेयर को सौंपता है और वह उसे अगले ओलंपिक के आयोजन तक सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है, टार्सस बोन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जैसे कार्पस हमारी कलाई होती है उसमें 8 होती हैं, और टार्सस जो हमारे टखने की हड्डियां होती हैं उसमें 7 होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑसिपिटल अटलांटो ज्वाइंट किस प्रकार की चल संधि है? तो चल संधि की बात कर रहा है, यहाँ फिक्स ज्वाइंट अचल संधि है, यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट में आपका हो जाएगा कार्पस टार्सस ज्वाइंट जो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर संलग्न रखता है। सैडल ज्वाइंट आपका परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि हो जाएगी, जो जैसे कि अंगूठा सभी उंगलियों तक पहुंच जाता है। एंड यहाँ पे एक ही बचता है हिंज ज्वाइंट, तो ऑसिपिटल अटलांटो ज्वाइंट जो है हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने बताया है हिंज ज्वाइंट वह ज्वाइंट होता है जिसमें एक ही तरफ गति होती है, जैसे दरवाजा एक तरफ बढ़ता है। हिंज ज्वाइंट को कब्जा संधि या कोर संधि भी कहा जाता है और एक ही दिशा में गति होती है। इसमें नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का जोड़ आता है। एंड ऑसिपिटल अटलांटो ज्वाइंट भी इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, काइफोसिस कमर के किस भाग की विकृति है? तो दोस्तों ये थोरेसिक वच वाले भाग जो पीछे की तरफ निकल जाता है उसको काइफोसिस या हंच बैक या गोल कमर या राउंड बैक आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे थोरेसिक स्पाइन आपका राइट आंसर होगा, जिसको हिंदी में कुबड़ा भी कहते हैं, पीछे की तरफ निकल जाता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, EOG का पूरा नाम बताओ। तो EOG का पूरा नाम है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी। नेक्स्ट है दोस्तों, रूसो ने किस दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों रूसो प्रकृतिवाद के प्रतिपादक थे या नेचुरलिज्म के। नेक्स्ट है, स्टोकिंग्स किस का संबंध किस खेल से है? तो इसका भी संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट है, पोषक तत्व संबंधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह हैदराबाद में है, जो निन है, निन यानी कि निन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, योग संबंधित राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है? तो दोस्तों योग से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान जो है मोरारजी देसाई योग संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, बर्गर टूर्नामेंट किस प्रकार के टूर्नामेंट है? तो दोस्तों जो बर्गर टूर्नामेंट है वह लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम बोला जाता है, जिसकी खोज जॉनी बर्गर ने, जो सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी थे। तो लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को बर्गर टूर्नामेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट है, ओबेसिटी कितनी BMI को दर्शाता है? ओबेसिटी यानी मोटापा जो होता है दोस्तों वह 30 से ऊपर रहेगा तो आपको ओबेसिटी यानी मोटापे के शिकार हो जाएंगे, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम, एंजाइटी एंड हाई BP, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उससे आप घिर जाएंगे। एंड जो आपका 22 से 24 25 के बीच आपका जो BMI होता है वो अच्छा माना जाता है, और अगर 18 से कम है तो आप अंडर वेट यानी कि आपका वेट जो है वो कम है, आपको कमजोरी फील होगा, ठीक है।
लो बीपी फेल होगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका जो वेट है शरीर की लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं, ये दर्शाया जाता है। मतलब शरीर की वसा को मापता है, ओबेसिटी को मापता है। तो बीएमआई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे आप अपने बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एफिलरेज क्या है? दोस्तों एफिलरेज क्या है? यह मालिश का प्रकार है। मालिश का प्रकार है, मालिश जो है आपकी फिजिकल एजुकेशन में चार प्रकार के बताया गया है। स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, शेकिंग यानी मिलाना या झकझोरना। जो एफिलरेज है वह स्ट्रोकिंग यानी सहलाने की विधि है। एफिलरेज में दूर से अंगों से हृदय की तरफ मसाज किया जाता है। और दूसरा होता है परक्यूजन, जिसमें तीन भाग होता है, नीडिंग, पेट्रिस्टार एंड फ्रिक्शन। तो इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, आप मालिश वाले वीडियो को देख सकते हैं, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकती। नेक्स्ट है, एक छोटा बच्चा साइकिल क्यों नहीं चला पाता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा। परिपक्वता होता तो साइकिल चला ही लेता, ठीक है। तो अपरिपक्वता के कारण, यानी कि परिपक्वता की कमी है इसलिए नहीं चला पाता था। अपरिपक्वता के कारण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि रोग प्रतिरोधक का कार्य करती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा ग्लैंड हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रण करती है। और यहाँ पे बोला है कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, तो थाइमस ग्लैंड। जैसे कि बच्चों में ज़्यादा होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड बहुत कम मात्रा में रह जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे मिट्टी भी खा लेंगे, कुछ भी उठा के खा लेंगे और उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, शरीर के घाव को भरने में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? दोस्तों तो दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं, कार्य के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऊर्जा देने वाले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा आता है। एक शरीर का निर्माण यानी टूट फूट का मरम्मत करने वाले, वो प्रोटीन होता है। एक शरीर की रक्षा करने वाले, रोगों से बचाने वाले, जैसे कि हमारा विटामिन एंड मिनरल्स यानी खनिज लवण हो गया। तो यहाँ पे घाव को भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व कार्य करेगा? तो प्रोटीन। कौन सा करेगा? प्रोटीन। नेक्स्ट है, उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बन रही है, उसको अनएरोबिक कहा जाता है। ये आपको कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, जिसमें जो है 2-पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है, 2 ATP का, और एरोबिक रिस्पायरेशन के अंतर्गत 36 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्लूरा किस अंग का भाग है? तो दोस्तों प्लूरा झिल्ली होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन से फेफड़े जो है वो ढके रहते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार ओलंपिक टॉर्च रिले का प्रयोग किस ओलंपिक में किया गया? दोस्तों तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसकी शुरुआत किए थे कार्ल डाइम ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाएं से ओलंपिक छल्लों में कौन सा छल्ला दूसरे स्थान पर आता है? दोस्तों हमारा जो छल्ला होता है आपका, 5 छल्ले होते हैं, ठीक है, जिसमें से नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन होता है? नीला, उसके बाद पीला, ठीक है, आपका आ जाएगा पीला, जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक और लाल
अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में किसके सहयोग से भारतीय दल ने प्रतिभाग किया था? तो आपको पता होना चाहिए 1908 सर दोराबजी टाटा के सहयोग से पहली बार अधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था 1920 में, और फिर दूसरी बार 1924 में, फिर आधिकारिक तौर पर भाग लिया था 1928 में एमस्टर्डम में, जिसमें हॉकी भी सबसे पहले खेला गया था, जिसमें हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और वैसे तो भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया था 1900 फ्रांस में, जो एंग्लो इंडियन नामक प्रिचार्ड ने भाग लिया था, याद रखिएगा उसको भी। आधिकारिक तौर पर पूछेगा तो 1928, और पहली बार भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था तो 1923 फ्रांस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पटना के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? तो पटना के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम है मोइन उल हक स्टेडियम, मोइन उल हक स्टेडियम। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस धमनी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है, तो इसमें किस धमनी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रांचियल धमनी का, ठीक है, ब्रांचियल धमनी का। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जैसे अन्य लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों इसी तरह डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।